शांति 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 ओम गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। राशिफल 31 जुलाई 2023। आज का राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा? 31 जुलाई 2023, जुलाई महीना का आखिरी दिन, टाटा बाय बाय। इस महीना बहुत अच्छा चला, नो डाउट। समस्याएं रहें, लेकिन फिलहाल जुलाई महीना में कोई बहुत बड़ा सदमापूर्ण बुरा न्यूज नहीं आया। आज का दिन 31 जुलाई 2023 और त्रयोदशी तिथि, श्रावण का महीना, अधिक मास और शुक्ल पक्ष। आज चंद्रमा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में 6:58 PM तक, और उसके बाद उत्तराषाढ़ा में चले जाएंगे आगे। और आज का चंद्र राशि धनु, सूर्य उदय 5:41 AM, सूर्य अस्त 7:13 PM। वर्षा ऋतु, ऋतु के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 12:00 PM से लेके 12:54 PM तक 54 मिनट का अभिजीत मुहूर्त आज मिल रहा है। जो भी शुभ काम वगैरह करना है इसी समय कर लें। राहु काल 7:22 AM से 9:04 AM तक। यात्रा वगैरह, शुभ काम वगैरह ना करें। दिशा शूल पूर्व दिशा, आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना हो। राशि बल आज रहने वाला है मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन, बढ़िया रहेगा। आज का नक्षत्र बल अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, रेवती, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में बल रहेगा। आज धनु राशि में चंद्रमा गुरु और राहु के दृष्टि में, और ये चंद्र राशि जो धनु है ये मात्र 12 AM तक, यानी उसके बाद मकर हो जाएंगे। तो 31 तारीख 12, ये दिनमान कल जैसे ही चलने वाला है, किंतु नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार ऊर्जाओं में परिवर्तन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए नवम चंद्रमा। तो दिनमान लेथर्जिक, लेजीनेस, थोड़ा तनाव, लेकिन कार्य सफलता आज ठीक रहेगा। वृष राशि का बात करते हैं तो ये अष्टम चंद्रमा, कार्य क्षेत्र में बाधा, टेंशन, तनाव। मिथुन का बात करते हैं तो सप्तम चंद्रमा, एकदम मस्त पिकनिक, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सफलता, सिद्धि, मन प्रसन्नता का संभावना। केकड़ा कर्क राशि का बात करते हैं तो छठा चंद्रमा आरोग्य, बल, बुद्धि, पुष्टि, वर्धदायक, 70% का कार्मिक एनर्जी मिलने वाला है। सिंह का बात करते हैं तो पंचम चंद्रमा घात चंद्र, एनर्जी यहां कम रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी रहने वाला है, मात्र 45% कार्मिक एनर्जी। कन्या का भी चतुर्थ चंद्रमा है तो यहां रॉन्ग डिसीजन और भटकाव का संभावना ज्यादा दिख रहा है, बट कार्मिक एनर्जी यहां पर 33। तुला वालों के लिए बात करते हैं तृतीय चंद्रमा, पराक्रम में वृद्धि, सफलता, कार्य सिद्धि योग, सफलता एकदम बढ़िया है। यहाँ 70% तक रिजल्ट आज मिल रहा है, लेकिन केतु को कंट्रोल किए तो।
बिच्छू का बात करते हैं तो वृश्चिक लोगों का द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार के क्षेत्र में नॉट गुड, धनु आपके लिए एकदम ठीक है। मकरूड द्वादश चंद्रमा आज भी ना चाहते हुए खर्चा लॉस माइनस मार्किंग जा रहा है। कुंभ के लिए एकादश चंद्रमा सॉलिड गुड बेस्ट, मीन के लिए दशम चंद्रमा और बढ़िया है, कार्य सिद्धि सफलता रुके हुए काम बनना। नक्षत्र के अनुसार बात करते हैं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये गोचर है चंद्रमा का। कल था आपका वर्णमूल में और आज धनु के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सो दिस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र टारगेट हो गया, तो आपके जन्म तारा से यहां पर गिन के आना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केतु के तीन नक्षत्र, अश्विनी मेष राशि, मघा सिंह राशि, मूल धनु राशि। तो आपके लिए जन्म संपत्ति तारा पे है गुड बेटर बेस्ट। शुक्र के तीन नक्षत्र से अगर हम लोग बात करते हैं तो भरणी मेष, पूर्वा फाल्गुनी सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु, टारगेट नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। सो ये पूर्वाषाढ़ा ये हमारा आज का टारगेट है। तो पूर्व आषाढ़ा जन्म तारा 70% गुड, 30% मैं यहां काटता हूं। सूर्य के तीन नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन, सूर्य के तीन नक्षत्र कृतिका मेष वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तरा आषाढ़ा धनु मकर। तो आपके लिए ये आज का जो तारा है स्वाभाविक बात है क्या रहेगा। तो टारगेट को गिन के आते हैं सूर्य के नक्षत्र से। तो सूर्य का पहला नक्षत्र कृतिका, दूसरा हो गया उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या। सो उत्तरा फाल्गुनी जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध बाधक मित्र अति मित्र। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं से, सो ये अति मित्र जोन पे जा रहा है। और उसके बाद चंद्रमा के तीन नक्षत्र रोहिणी, रोहिणी में वृष, हस्ता कन्या, श्रवणा मकरू, आपके लिए ये मित्र जोन पे जाएगा। मंगल के तीन नक्षत्र मृगशिरा वृष मिथुन, चित्रा कन्या तुला, धनिष्ठा मकरू कुंभ। तो मंगल के जो तीन नक्षत्र है उससे गिनते हैं जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा पे है, नॉट गुड, सावधान रहें। राहु के तीन नक्षत्र आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ। तो आपके लिए आज का टारगेट नक्षत्र जन्म संपत विपद क्षमा प्रत्यारी, ये साधक तारा में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। शनि के तीन नक्षत्र पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन। सो जन्म संपद विपद क्षमा तारा पे है, सॉलिड है। केतु के तीन नक्षत्र वालों के लिए ये श्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, जन्म संपद विपद विपद तारा पे आ रहा है। तो ये था आज का राशिफल नक्षत्रफल। सूर्यफल कल जो था वही समान है आज के लिए, क्योंकि यहाँ नक्षत्र परिवर्तन सूर्य नहीं किए हैं। तो जिनको सूर्य से क्या चाहिए मिलेगा वो उसे देख लें, आज डबल रिपीट करना नहीं चाहता हूं। जिस दिन सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे फिर उसको एक बार बता दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।